हेलो एंड वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। सो BA फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमने पोयम नंबर 3 डिस्कस करनी है। पोयम का नाम है रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड और इसके राइटर एक बहुत ही फेमस अफ्रीकन पोएट हैं। इनका नाम है चिनुआ एशेबे। ठीक है, तो चिनुआ एशेबे की लिखी हुई पोयम है रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। काफ़ी क्लियर है इसके टाइटल से कि मदर का जहाँ पे नाम आ गया तो पोएम में क्या बताया है। एक तो मदर की ग्रेटनेस को पोएट ने एक्सप्रेस किया है और पर्टिकुलरली जो फोकस है पोएट का यहाँ पे एक रिफ्यूजी मदर के ऊपर है। रिफ्यूजी मदर है तो मतलब हम समझ सकते हैं किस तरह की कंडीशंस होंगी। बैड कंडीशंस होती हैं रिफ्यूजीज़ की, बहुत ही ट्रेजडी वाला एक प्लाइट कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो कितना सफ़र उनको करना पड़ता है और बहुत ही गंदगी वाली जगह पे वो रहते हैं। ठीक, तो उनके पास कोई भी ना फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ नहीं होता, तो बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में भी एक माँ है और उसका अपने बच्चे के प्रति जो प्यार है उसको पोएट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड पोएम का नाम है, टाइटल है। मतलब क्या है कि पोएट इसमें एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि बेशक इनह्यूमन कंडीशंस हों लेकिन माँ तो माँ है, माँ का प्यार कभी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता, चाहे वो रिफ्यूजी ही है। ठीक है, अब अगर आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश कंपलसरी BA फोर्थ सेमेस्टर की, इंग्लिश फॉर एम्पावरमेंट, इसके कंप्लीट नोट्स की अगर आपको ई बुक बाय करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके बाय कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे ये अवेलेबल है और सारे चैप्टर्स आपको PDF फॉर्मेट में आप इसमें मिल जाएंगे। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट द पोयम रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। सो पहले इसका रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो टाइटल एक्सप्लेनेशन में मैंने बता ही दिया था कि पोयम किस बारे में है, पर थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। सो द पोयम रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड हैज़ बीन रिटन बाय चिनुआ एशेबे। द पोएट एक्सप्रेसेस द ग्रेटनेस ऑफ अ मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन even in inhuman conditions by comparing the refugee mother and her child with the paintings of Virgin Mary and Jesus Christ। देखो यहाँ पे पोएट ने माँ की महानता को एक्सप्रेस किया है और एक मदर का अपने चिल्ड्रन के प्रति लव को इसमें एक्सप्रेस किया है इवन इन इनह्यूमन कंडीशंस। तो कंडीशंस बेशक इनह्यूमन हैं, बैड कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी मदर का जो लव है वो कम नहीं होता अपने बच्चों के लिए। और इस चीज़ को शो करने के लिए उन्होंने एक रिफ्यूजी मदर और उसके चाइल्ड का जो एक दृश्य वो देख रहे हैं कि रिफ्यूजी कैंप में एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी है, उस दृश्य को वो वर्जिन मैरी की पेंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं और इस ये जो माँ है इसके प्यार को वो उस पेंटिंग से भी ज़्यादा महान बताते हैं कि ये जो एक दृश्य मैं देख रहा हूँ रिफ्यूजी कैंप में एक मदर और उसका चाइल्ड है, उसकी लैप में उसका चाइल्ड है जो कि बहुत ही वीक है और बहुत ही ख़राब से कंडीशंस हैं, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ट्रेजेडी वाला है, उसके बीच में एक मदर है जिसके पास उसका चाइल्ड है और वो बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देख रही है। तो इस दृश्य को वो वर्जिन मैरी और जीजस क्राइस्ट की जो पेंटिंग है उससे भी ज़्यादा महान बताते हैं, उस पेंटिंग के साथ वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, द पोएम डिपेक्ट्स द प्लाइट एंड सफरिंग्स ऑफ द रिफ्यूजीज एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रेजेडी एंड डिसमल कंडीशंस इन अ रिफ्यूजी कैंप। तो साथ ही साथ पोएम में हमें रिफ्यूजीज की जो सफरिंग्स हैं उनकी प्लाइट कंडीशंस के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरह के ट्रेजेडी वाला एटमॉस्फेयर और डिसमल कंडीशंस में रिफ्यूजीज रहते हैं, और ऐसे एनवायरनमेंट के बीच भी एक रिफ्यूजी मदर जो है उसका जो लव है वो बहुत ही ग्रेट है। मतलब मदर की ग्रेटनेस इसमें शो की है पोएम में। ठीक है, कि ऐसे कंडीशंस में भी माँ अपने बच्चे को किस तरह से वो प्यार भरी नज़रों से देख रही है। फाइन, नाउ लेट अस डिस्कस द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस फॉर अ सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट। देखो मैडोना एंड चाइल्ड का मतलब यहाँ पे वर्जिन मैरी और चाइल्ड क्राइस्ट से है, तो ये पोएट उस माँ को मैडोना और चाइल्ड वर्जिन मैरी के साथ में मतलब कंपेयर कर रहे हैं।
The words Madonna and Child are a direct reference to the paintings of Virgin Mary and Child Christ, which is generally said to be the finest image of motherhood. तो मदरहुड या माँ की ममता के जो एक फाइनेस्ट इमेज मानी जाती है और क्रिश्चियंस की जो बहुत ही एक फेमस पिक्चर है मैडोना एंड चाइल्ड की पेंटिंग है, जिसमें वर्जिन मैरी की गोद में चाइल्ड क्राइस्ट को दिखाया जाता है. बट द पोएट डिपिक्ट्स दैट द पिक्चर ऑफ ए रिफ्यूजी मदर टेंडरली होल्डिंग हर डाइंग चाइल्ड इज फार मोर ग्रेट देन दैट ऑफ द मैडोना एंड चाइल्ड्स पिक्चर. ठीक है, तो वो इस दृश्य को उससे ज़्यादा महान बताते हैं कि एक रिफ्यूजी मदर है जो कि बहुत ही प्यार से अपने उस बच्चे को गोद में लेके बैठी है जो कि थोड़ी देर में मरने वाला है. ही सेज दैट नो डिपिक्शन ऑफ द वर्जन मैरी एवर एक्सप्रेस्ड मोर टेंडरनेस देन डज द रियलिटी ऑफ अ रिफ्यूजी मदर टेंडरली केयरिंग फॉर हर डाइंग चाइल्ड. तो वो ये डिपिक्ट करते हैं पोएट कि वर्जिन मैरी की आंखों में भी इतना प्यार जीसस क्राइस्ट के लिए नहीं देखा जा सकता जितना कि इस रिफ्यूजी मदर की आंखों में हम देख सकते हैं, जो कि अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से गोद में लेके बैठी है, उसकी तरफ देख रही है, और वो जो बच्चा है वो थोड़ी देर में मरने वाला है. डाइंग चाइल्ड, वो अभी मरा नहीं है, वो कुछ टाइम बाद मरने वाला ही है, और वो ये जानती है कि ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा. ठीक है, द एयर वॉज हैवी विद ऑडर्स ऑफ डायरिया ऑफ अनवॉश्ड चिल्ड्रन विद वॉश्ड आउट रिब्स एंड ड्राइड अप बॉटम्स स्ट्रगलिंग इन लेबर्ड स्टेप्स बिहाइंड ब्लोन एम्प्टी बेलीज. अब इस स्टांजा में पोएट ने रिफ्यूजी कैंप की जो कंडीशंस हैं उसका वर्णन किया है कि यहाँ पे जो हवा है उसमें डायरिया की ओडर आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है. सो द पोएट प्रेजेंट्स अ वेरी ग्रीम एंड पिटिएबल पिक्चर ऑफ अ रिफ्यूजी कैंप. एयर इन द कैंप इज़ फुल ऑफ स्मेल ऑफ डायरिया. अब हर किसी को तो डायरिया हो रखा है, तो वहाँ पे बहुत ही गंदगी की स्मेल आ रही है. द मदर्स हैव नाउ स्टॉप्ड वॉशिंग देयर चिल्ड्रन बिकॉज देयर बाउल्स कीप ओपनिंग टू ऑफन. अब इस तरह की जो कंडीशंस में लोग रहते हैं वो रोज़ रोज़ मतलब वहाँ पे साफ सफाई ज़्यादा नहीं होती है, तो मदर्स ने अपने बच्चों को नहलाना भी बहुत बंद कर दिया है. दे हैव बिकम सो वीक दैट इट इज़ हार्डली एनी फ्लैश लेफ्ट ऑन देयर बॉडीज़. अब वो बच्चे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बहुत थोड़ा बहुत ही जो फ्लैश है उनकी बॉडीज़ में बचा है, वो स्केलेटन्स ही बन चुके हैं ऑलमोस्ट. देयर रिब्स लाइक दोज ऑफ अ स्केलेटन, स्केलेटन की तरह उनकी जो पसलियाँ हैं वो सारा कुछ दिखाई देता है. देयर बॉटम्स हैव ड्राइड अप, दे कैनॉट वॉक इवन अ फ्यू स्टेप्स. तो इतने कमज़ोर वो बच्चे हैं, महामारी फैल रही है, डायरिया हो रखा है सबको, तो वो कुछ स्टेप्स भी नहीं चल सकते. दे हैव स्वोलन स्टमक्स, तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं ये सब. इट इज़ अ हॉरिबल पिक्चर ऑफ पॉवर्टी डिसीज एंड स्टारवेशन. तो माल न्यूट्रिशन के कारण और पावर्टी डिसीज स्टारवेशन इन सब के कारण इस तरह की कंडीशंस रिफ्यूजी कैंप्स में होती हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ वहाँ पे कुछ भी नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टैंजा में एक रिफ्यूजी कैंप में किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह के पिटिएबल कंडीशंस वहाँ पे होती हैं, वो सब पोएट ने शो किया है. नेक्स्ट स्टैंजा है, मोस्ट मदर्स देयर हैड लॉन्ग सीज्ड टू केयर बट नॉट दिस वन. शी हेल्ड अ घोस्ट स्माइल बिटवीन हर टीथ एंड इन हर आइज द घोस्ट ऑफ अ मदर प्राइड एज शी कॉम्ब्ड द रस्ट कलर्ड हेयर लेफ्ट ऑन हिज स्कल एंड देन सिंगिंग इन हर आइज बिगैन केयरफुली टू पार्ट इट. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है कि मोस्ट मदर्स देयर हैड लॉन्ग सीज्ड टू केयर बट नॉट दिस वन, इसमें पोएट ने बताया कि ज़्यादातर जो माएँ हैं उन्होंने अब बच्चों की केयर करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि अब उनके बच्चे रहे ही नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हैं. जिनके हैं भी तो उनको सबको पता है कि ये अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, कुछ कुछ घंटे में ही मरने वाले होंगे, ऐसी भी कंडीशंस हैं. तो सीज का मतलब बंद कर देना होता है. शी हेल्ड अ घोस्ट स्माइल, अब घोस्ट स्माइल का मतलब वो उसको प्यार से देख रही है लेकिन कोई भी उसको नहीं देख रहा, तो पोएट ने यहाँ पे घोस्ट स्माइल वर्ड यूज़ किया है. और वो रस्ट कलर्ड जो उसके हेयर हैं उनको
कोंब कर रही है, मतलब कि गंदगी वाली कंडीशंस हैं, तो रस्ट कलर के उसके हेयर हो गए हैं बच्चे के। सो द पोएट सेज दैट द चिल्ड्रन आर सो टेरिबली सिक दैट मोस्ट मदर्स हैड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ देयर सर्वाइवल। मतलब ज़्यादातर जो मदर्स हैं उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी है कि अब ये जिंदा रहेंगे या बच सकते हैं, ऐसा अब उनको कोई होप नहीं है। दे हैड रिजाइंड देमसेल्व्स टू देयर फेट, अब उन्होंने अपने बच्चों को ही उनके फेट के ऊपर छोड़ दिया। बट द मदर द पोएट हैज़ फोकस्ड ऑन इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर मदर्स, लेकिन जिस मदर के ऊपर पोएट फोकस कर रहा है वो डिफरेंट है इन सभी से। शी इज़ स्टिल होल्डिंग द चाइल्ड टेंडरली इन हर लैप, उसकी गोद में अभी भी उसका बच्चा है। विद अ होप शी कूम्स हिज हेयर लेफ्ट ऑन द चाइल्ड्स स्कल, अब यहाँ पे स्कल वर्ड यूज़ किया है पोएट ने, हेड नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो मतलब बच्चे हैं ये बिल्कुल स्केलेटन की तरह बन चुके हैं, इनके ऊपर फ्लैश नहीं बचा, तो जो थोड़े बहुत बाल उसके सिर पे हैं स्कल पे हैं उनको वो कॉम्ब कर रही है। द रस्टी कलर ऑफ द हेयर इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, अब रस्ट कलर के उसके हेयर हैं पोएम में जैसा कि लिखा है, तो वो यही शो कर रहा है कि माल न्यूट्रिशन से सफरिंग हैं ये बच्चे। द पोएट हैज़ डेलिबरेटली यूज्ड स्कल इंस्टेड ऑफ हेड, ही क्लियरली वांट्स टू कन्वे दैट द चाइल्ड हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, कि चाइल्ड जो है वो एक स्केलेटन बन चुका है, ये बताने के लिए ही पोएट ने स्कल वर्ड यूज़ किया है हेड की जगह पे। व्हाइल कूम्बिंग द आईज ऑफ द मदर सीम टू बी सिंगिंग अ ललबाई टू द चाइल्ड टू स्लीप इन पीस, तो उसकी कंघी करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे जो मदर है वो अपने मन में ही एक लोरी उसको सुना रही है ताकि वो बच्चा सो जाए। इन अनदर लाइफ दिस वुड हैव बीन अ लिटल डेली एक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस बिफोर हिज ब्रेकफास्ट एंड स्कूल, नाउ शी डिड इट लाइक पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टाइनी ग्रेव, अब ये जो लास्ट स्टैंजा है काफ़ी इमोशनल है कि देखो अगर कुछ और मतलब कंडीशंस अच्छी होती तो ये जैसे वो कंघी कर रही है अपने चाइल्ड की, तो ये एक लिटिल डेली एक्ट होता, या तो जब बच्चा ब्रेकफास्ट से पहले करती या उसके स्कूल जाने से पहले करती, लेकिन यहाँ पे ये जो मदर उसके कॉम्ब कर रही है बालों को ये इस तरह से है जैसे कि वो एक छोटी सी उसके ग्रेव के ऊपर फ्लावर्स चढ़ा रही हो। पोएट ने इसको इस तरह से बताया है कि उसका कंघी करना जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसकी ग्रेव के ऊपर फ्लावर चढ़ा रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये थोड़ी देर में मर जाएगा। द पोएट टेल्स दैट द मदर इज़ केयरफुली कॉम्बिंग द हेयर ऑफ हर चाइल्ड, द पोएट इज़ रिमाइंडेड ऑफ ऑल मदर्स ऑफ द वर्ल्ड डूइंग द सेम थिंग, तो पोएट को और दूसरी मदर्स की याद आ जाती है कि वो अगर अपने चाइल्ड के हेयर कॉम्ब करती हैं अपने डेली रूटीन में तो ये कोई एक बहुत ही ऑर्डिनरी एक्ट होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंस वाला नहीं होता, ये डेली रूटीन की बात है। इन रूटीन इट वुड हैव बीन एन ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ऑल मदर्स कूम्ब द हेयर ऑफ देयर चाइल्ड आइदर बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर लीविंग फॉर देयर स्कूल, तो सारी ही मदर्स मोस्टली अपने बच्चों के बाल कूम्ब करती हैं या तो ब्रेकफास्ट से पहले या फिर स्कूल जाने से पहले। बट दिस मदर वॉज कॉम्बिंग हेयर एज इफ शी वॉज पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टाइनी ग्रेव, वो जिस तरह से उसके बाल बहा रही थी क्योंकि वो शायद लास्ट टाइम उसके हेयर कॉम्ब कर रही थी, तो ऐसा पोएट को लगा कि वो एक छोटी सी उसकी ग्रेव के ऊपर फ्लावर्स चढ़ा रही है। इट वॉज अ फाइनल एक्ट ऑफ टेंडरनेस फॉर अ चाइल्ड हु वॉज नॉट लिविंग फॉर स्कूल बट फॉर द अदर वर्ल्ड फॉर एवर, तो ये एक फाइनल एक्ट है उसके प्यार का अपने चाइल्ड के प्रति, क्योंकि वो स्कूल के लिए नहीं जा रहा बल्कि अदर वर्ल्ड के लिए जा रहा है हमेशा के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये अभी थोड़ी देर में या आने वाले एक दो दिन में इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे महामारी फैल जाती है जो रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, और रोज़ का बच्चों का मरना बहुत ही नॉर्मल बात होती है, तो इसीलिए उसको पता है कि ये अभी ज़िंदा नहीं रहेगा और वो लास्ट टाइम उसके हेयर कॉम्ब करती है। ठीक है,
सो पोयम मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है इस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप अपनी क्वेरीज या PDF नोट्स अगर बाय करने हैं तो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड लक।